वेलकम टू मीनाक्षी किचन। जैसे कि आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसलिए आजकल हम बनाएंगे मिठाइयाँ, जो कि आज पहले बनाएंगे हम रसगुल्ले। इसके लिए हमें चाहिए पनीर, जो कि हमने इसको नींबू से दूध को फाड़ के फुल क्रीम दूध लेना है इसके लिए हमने। फिर इसको हमने कपड़े में हैंग करके सब पानी सुखा लिया अच्छी तरह। डेढ़ कटोरी चीनी और पानी। सबसे पहले हम पनीर को लेके उसको अच्छी तरह अपनी हथेली से ऐसे मसलेंगे अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह से कम से कम 5-10 मिनट तक बाइंड करना है। तो जब तक बाइंड करना जब तक ये मुलायम ना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट तक मसलने के बाद ये एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब इसकी हम छोटी गोलियां बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हमने जो चीनी ली है 1.5 कटोरी, इसमें हम कम से कम 3 कटोरी पानी डालेंगे और चाशनी बनने के लिए रख देंगे। जब तक चाशनी तैयार होती है, हम छोटे छोटे रसगुल्ले बेल के रख देते हैं। छोटे छोटे बॉल्स लेके इनको ऐसे ऐसे बेल के रख लीजिए। ये देखिए जैसे कि चाशनी तैयार हो गई है, उबाल आ रहा है इसमें। अब इसमें हमने जो अपने रसगुल्ले की बॉल्स बनाई है वो इसमें डालेंगे हम धीरे धीरे करके। बॉल डालने के बाद कुकर को ढक्कन लगा के बस इसकी एक विसल होने पे हमने गैस बंद कर देनी है। ये देखिए अब हमने इसको प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लिया है, हमारे रसगुल्ले तैयार है। इसको अब फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।